टुडे एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ये क्या है आपके पास, सर्कल है। सर्कल का ये क्या देखें, सेंटर। अगर सर्कल को हम ज्वाइन कर दें, वो यदि हम सर्कल सर्कल से रिलेटेड करते हैं, सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, 2πr। प्रीवियस क्लास में आप लोगों की पढ़ी हुई है डायमीटर और रेडियस के बीच का रिलेशन, डायमीटर इज इक्वल टू 2 into r होता है आपके पास। इसमें पाई की वैल्यू या तो 22, पाई इज इक्वल टू 22/7 होगा या फिर 3.14। आपके क्वेश्चन में जो गिवन होता है आपको वो यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप 22/7 यहाँ पर यूज करेंगे। देन आपके पास आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूरे सर्कल का हाफ। सेमी का मतलब होता है हाफ, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो आर सर्कल का कितना होगा, हाफ वन में टू कर दिया। ऐसे बात आती है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का मीन होता है एस ये, दैट मींस एक सर्कल के फोर पार्ट इक्वल पार्ट, इट्स कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। तो इस एक पार्ट का एरिया निकालने के लिए, तो फोर इक्वल हुए हैं तो एरिया ऑफ सर्कल को कितने से डिवाइड कर दें, फोर से। ये चीजें हमारे पास आती हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, इसमें आगे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात करते हैं। अभी तो सर्कल आप लोगों ने पढ़ा, अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अगर मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दूं आपके सामने, इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखिए ये भी क्या होती है, याद रखिए आर होती है, ये भी क्या होता है आर, और ये भी क्या होती है सर्कमफेरेंस। पूरे सर्कल की कितनी होती है, 2πr, तो आधे की कितनी हो जाएगी, हाफ, दैट मींस 2πr/1। अगर हम इस ए पॉइंट हमारे पास इस तरह से गिराना और वापस ए पर, पैरामीटर का होता है कि जो उसकी आउटर बाउंड्री है उस पूरे को कवर करना। तो हमें सिंपली फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ऐसे एक आता है एरिया ऑफ रिंग। रिंग का क्या है, सेम होता है, और हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, दिस पार्ट। सपोज इट जो स्मॉलर सर्कल है उसकी जो रेडियाई है वो स्मॉल r है, जो लार्जर सर्कल है उसकी जो रेडियाई वो कैपिटल r है। तो एरिया ऑफ रिंग, अगर हम अपनी रिंग निकालेंगे तो ग्रेटर वाले में से स्मॉलर वाले को क्या कर देंगे, माइनस, और हमारे पास एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। ऐसे पाई कैपिटल r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, अगर यहाँ पर भी सेमी रिंग आ जाएगा तो फिर उसको हम एरिया को डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ सेमी रिंग होगा तो हम एरिया को आपको डिवाइड कर देंगे। फिर आपको एक्सरसाइज वन में इन सारे फॉर्मूले की नीड पड़ेगी। एक बार डीपली हम लोग देख लेंगे, कहीं कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं जो हमें क्लियर नहीं है, सारे आपके ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में समझ चुके हो। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 आपको टू सर्कल्स की रेडियस गिवन है, दैट मींस आर 1 19 एंड आर 2 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, एक अनदर रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। कब करनी है,
which has circumference equal to the sum of circumferences of two circles. According to question, आपसे कहा है जिस सर्कल की आपको रेडियाई फाइंड करनी है उसकी सर्कमफ्रेंस अदर टू सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है. क्लियर? सर्कमफ्रेंस जिसकी रेडियाई फाइंड करनी है उस वाले सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है अदर टू सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है. पुट करते हैं वैल्यू. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, बट यहाँ पर कैपिटल आर लिखा क्योंकि कैपिटल आर इसकी डिनोट करिए. इसमें आएगा 2 पाई आर वन एंड दिस इज 2 पाई आर टू. कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर, यहाँ पे भी 2 पाई आर बाहर ले लिया, 2 पाई आ गया केवल कॉमन. तो बेटा आर वन प्लस आर टू, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू. पुट द वैल्यू 19 प्लस 9 कितना आ गया 28 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहा गया है. इन क्वेश्चन नंबर 2 सेम 2 रेडियाई आपको यहाँ पर गिवन है 8 एंड दूसरी 6. आर वन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर टू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. आपसे बोला है फाइंड द रेडियस. सिमिलरली जैसे यहाँ पर रेडियस फाइंड करने के लिए बोला था, यहाँ पर भी रेडियस बोला है फाइंड करने के लिए. यहाँ पर आपको बोला गया है रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल. देखिए जहां पर मेरे पास यह सर्कमफ्रेंस था वहां क्या आ रहा है एरिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया को ए से डिनोट कर देते हैं ए वन प्लस ए टू. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर. पाई कॉमन लेंगे पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर. पुट द वैल्यू इन इट, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. 8 स्क्वायर कितना होता है 64 एंड 6 इज 36 प्लस करा बेटा 100. आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. आप बेटा यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में यूनिट जरूर, जहां यूनिट है वहां यूनिट यूज कर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की जो लैंग्वेज है उसमें हमसे कहा गया है कि आपके पास ये कलर्स दिए हुए हैं 4, सबसे पहले गोल्ड एंड देन रेड फिर ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट. हमें इन सब का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन. नंबर वन इसने क्या कहा है डायमीटर दिया आपको रिप्रेजेंटिंग जो गोल्ड वाला पार्ट है उसका डायमीटर गिवन है 21. गोल्ड सबसे इसका डायमीटर 21 है. फोर गोल्ड, गोल्ड के बारे में बात करते हैं जो गोल्ड कलर है उसका डायमीटर कितना बेटा 21. डेट मीन्स यदि रेडियस निकालना ही है तो हम 21/2 या 10.5 अगर पॉइंट में यूज करने पॉइंट में अदरवाइज ऐसे हम रख लेंगे. आपसे सबसे पहला पार्ट यही कहा गया है कि आप इसका एरिया निकालेंगे. देन इसके बाद क्या कहा है ईच ऑफ द अदर बैंड इज, अब दैट इज इसके बाद जो सेकेंड कलर का बैंड आ रहा है रेड कलर आ रहा है ना, रेड कलर की स्ट्रिप आ रही है. तो जो रेड कलर की स्ट्रिप आ रही है देखिए ये तो इसकी रेडियस हो गई 10.5 आउटर सर्कल की. अब बाहर वाले सर्कल की रेडियस निकालेंगे तभी तो मैं इसका एरिया निकाल पाऊंगी एरिया ऑफ रिंग का. तो आउटर की रेडियस कैसे निकालेंगे, ये वाला जो विड्थ आपको कितना दिया है 10.5 बोला है ना विड्थ ऑफ ईच बैंड, ईच कलर का जो रीजन है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 10.5. तो आप बताइए रेडियस कितनी हो गई, ये कितना है पार्ट 10.5, ये रेडियस कितनी है 10.5. तो टोटल रेडियस कितनी हो गई बेटा 21. क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड का निकालते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीच. एरिया ऑफ सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू 21/2 रख दिया बेटा. डेसिमल वाली नहीं रखी क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. 7 3 21 एंड 2 से कट करा 11. इसको कैलकुलेट कर लो 33 into 21/2 कैलकुलेट करके देखिए कितना आया आंसर आपका
693 सेंटीमीटर स्क्वायर। योर चॉइस, यदि आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब आपको सेकंड किसका एरिया निकालना है, सेकंड कलर कौन सा आपके पास, रेड। रेड का एरिया निकालना है तो इस वाले पार्ट को समझो, एरिया ऑफ रिंग लगा देंगे तो इसमें स्मॉल आर कौन हो गई जो गोल्ड वाले की है, और कैपिटल आर कौन हो गई जो 21 है फोर रेड। रेड के लिए वर्क करा तो अब हमने लिखा स्मॉल आर कितना है मेरे पास 10.5 और कैपिटल आर कितना है बेटा 21। एरिया ऑफ रेड रीजन, जो रेड कलर का पार्ट है उसका एरिया निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अभी फॉर्मूले में लिखा था हम लोगों ने कि हमारे पास एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पुट द वैल्यू इन इट, कैपिटल आर 21 एंड स्मॉल आर 10.5 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास यह कैलकुलेशन के दो मेथड हैं। फर्स्ट तो ये कि मैं इन दोनों का होल स्क्वायर खोलूं और माइनस करूं एंड देन तब मल्टीप्लाई डिवाइड करूं। एक अनदर वे है कि मेरे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसमें एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, अनदर में होता है ए प्लस बी, हम उसका भी यहाँ यूज कर सकते हैं तो उससे कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। देखो 22/7 एज इट इज रहा बेटा एंड देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो मैंने इसको लिख दिया प्लस के साथ और एक बार किसने लिख दिया माइनस के साथ। क्लियर, आगे बात करते हैं। 22/7 एज इट इज, इन दोनों को प्लस करा 31.5, इन दोनों को माइनस करा 10.5। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 7 से इसको कट कर दो, 7 1 7 5 0, इनकी इंटू करके जो भी आपका आंसर आए उस आंसर को लिख देंगे, लेकिन प्रॉपर यूनिट के साथ। आप यूनिट यूज करेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ जो रेडियस गिवन है वो किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में, तो जो यूनिट आएगी एरिया की वो हमेशा किसमें आएगी स्क्वायर यूनिट में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। अब थर्ड वाले के लिए वर्क करना है, थर्ड मतलब ब्लू कलर के लिए। अब ये हमारा ब्लू पार्ट है, दैट मींस मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो सिमिलर यहाँ क्या होगा कि मैं इस वाले पार्ट को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो शायद आपको अच्छा लगेगा कि देखने में कि हाँ एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला ही लगाना, ठीक है। बट अब यहाँ कौन से वाला सर्कल है, सेकेंड वाला सर्कल है रेड वाला, जिसके लिए जो रेडियस थी वो कितनी थी, कैपिटल आर कितनी थी इसकी 21, तो यहाँ पर ये स्मॉल आर हो गई 21, कैपिटल आर हो जाएगी 21 प्लस 10.5, जो प्रीवियस रेडियस है उसमें 10.5 इंक्रीज होता चला जाएगा हर बार जितने बैंड हमारे बनते जाएंगे, तो 31.5। और सिमिलरली वही फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, एरिया ऑफ ब्लू रीजन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रखी बेटा, आर 31.5 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो एक बार पॉजिटिव साइन के साथ और एक बार नेगेटिव साइन, एक बार इनको प्लस कर देते हैं तो प्लस करूंगी तो कितना आएगा 52.5 और जब माइनस करूंगी तो कितना आएगा 10.5। अब यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ब्लू के बाद अब आप देखिए ब्लू के बाद कौन सा कलर आ रहा है आपके पास, ब्लैक। अगर ब्लैक है यहाँ ब्लैक है तो ब्लैक के लिए कैसे हो जाएगा, केवल रेडियस में चेंज होता चला जाएगा। ब्लैक के लिए जो स्मॉल आर होगी, जो पहले वाले के लिए कैपिटल आर है वो स्मॉल आर कवर करेगा, और जो कैपिटल आर बनेगी उसमें 10.5 क्या करना होता है मुझे एड। नाउ ऑल पार्ट हम इसी तरह से करते चले जाएंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग एक व्हील दिया कार का व्हील जिसका डायमीटर आपको गिवन है बेटा 80 सेंटीमीटर। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द रेडियस, हाफ होती है, और सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.40 या 4 मीटर। सर्कमफ्रेंस, क्योंकि वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो डिस्टेंस होगी वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है 2πr। पुट द वैल्यू इन इट, 2, पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू 0.4 17.6 अपॉन 7
मीटर। बेटा इसको मैंने आपको ही फ्रैक्शन में ही रहने दिया क्योंकि कैलकुलेशन हमें अब आगे भी करनी है। अब हमारे पास स्पीड गिवन है कि स्पीड कितनी है बेटा आपके 66 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे को यहाँ पर सबसे पहले ये कन्वर्ट करना होगा और टाइम कितना दिया आपको 10 मिनट। तो सबसे पहला वर्क होगा कि मैं स्पीड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करूं। सबसे पहला काम होगा किलोमीटर आर को हटाकर मीटर पर मिनट में इसको कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए कितना टाइम है, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है और 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है। डन। अब आपका ये 1 मिनट के अकॉर्डिंग काम हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ गया इसका मीटर पर मिनट। बट आपको कितने टाइम में कितना कितने टाइम का डिस्टेंस निकालना है 10 मिनट का। इन 10 मिनट कवर डिस्टेंस, 10 मिनट में से कितना डिस्टेंस कवर करा तो इसको हम इंटू कर देंगे 10 के साथ क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है मेरे पास 1100 और टाइम है मेरे पास 10। इसको मैंने कर दिया तो ये आ गया 11,000। अब आपको निकालने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना 11,000 डिवाइडेड बाय इन 1 रेवोल्यूशन कवर डिस्टेंस 17.6 upon 7। तो जो अपॉन का 7 है वो कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा। अब आप यहाँ से पॉइंट हटाइए, एक डेसिमल लग गया, इसको सिंप्लीफाई करिए एंड फाइंड योर आंसर। आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.1 से एमसीक्यू क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है इफ अ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वेयर। या कैलकुलेशन करिए, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, आर इज इक्वल टू 2 यूनिट। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, आर इज इक्वल टू 2 यूनिट। सिंपल क्वेश्चन था ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा एमसीक्यू के लिए हम लोग तैयार करते रहेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में जो बोर्ड का भी होता है उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन था।